हरियाणा का जनादेश 10-0 होगा या 9-1 होगा, इस पर चर्चा करने के लिए मैंने अपने दो साथियों को बुलाया है। अजय जो हरियाणा के रहने वाले हैं, और रजत जिनके हरियाणा में रिश्तेदारी है, नानका है, और जो हरियाणा कवर भी करने गए थे। 9-1 या 10-0 ये तो पता चलेगा। सबसे पहले आपको लेटेस्ट बता देता हूं, जिस एक सीट को लेकर थोड़ा सा संशय है वो सीट है रोहतक की सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अरविंद कुमार शर्मा मैदान में हैं और कांग्रेस के टिकट पर दीपेंद्र हुड्डा मैदान में। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा लाखों के मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस वक्त दीपेंद्र हुड्डा 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लगभग 3,000 वोटों से। अरविंद शर्मा को 5,10,000 वोट मिल चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा को 5,07,000 वोट मिल चुके हैं। क्योंकि दीपेंद्र के पिताजी भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़े हैं सोनीपत से, तो उनका भी आपको हाल बता देते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत में मिले 4,05,000 वोट और उनके प्रतिद्वंदी रमेश चंद्र कौशिक भारतीय जनता पार्टी को मिले 5,63,000 वोट, यानी पूर्व मुख्यमंत्री 1,50,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे हैं। अब ये क्लोज हो चुका है बिल्कुल मामला। इसके बाद सिरसा की सीट, जहां से राहुल गांधी के करीबी और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर चुनाव लड़े, अशोक तंवर को मिल रहे हैं अभी तक 3,91,000 वोट और उनके प्रतिद्वंदी सुनीता दुग्गल बीजेपी की नेता, उनको 6,74,000 वोट, यानी कि यहां भी 2,50,000 के अल्ले पल्ले मार्जिन है, ये भी क्लोज ही मानिए अब। उसके बाद कुरुक्षेत्र की सीट, जहां पे अर्जुन चौटाला INLD के टिकट पर चुनाव लड़े, अर्जुन चौटाला की जमानत जब्त होती नजर आ रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह 6,60,000 वोट पाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्मल सिंह से 3,70,000 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बाद बात करें करनाल की, सीएम सिटी मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है वो करनाल के रहने वाले हैं और यहां पर उनकी पार्टी की जीत भी वैसी ही है। संजय भाटिया को 9,00,000 से ज्यादा वोट मिल चुका है और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कुलदीप शर्मा 2,54,000 पर है, यानी कि आपने खुद ही बताया कि 6,50,000 से ज्यादा का मार्जिन हो चुका है। करनाल के बाद बात करते हैं हिसार की, जहां पर 3 राजनीतिक परिवारों के वंशज चुनाव लड़ रहे थे, वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंदर सिंह जो IAS इस्तीफा देकर आए और लगभग 6,00,000 वोट पा चुके हैं, भव्य विश्नोई भजन लाल के ग्रैंडसन कुलदीप बिश्नोई के बेटे 1,83,000 किसी तरह अपनी जमानत बचा पा रहे हैं और जो यहाँ के सिटिंग सांसद दुष्यंत चौटाला वो 2,87,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनके और विजेंदर सिंह के वोटों के बीच लगभग 3,25,000 वोटों का फासला है, यानी यहाँ पर भी कोई भी फाइट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव की, जहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के सामने कैप्टन अजय सिंह को उतारा था कांग्रेस ने, राव इंद्रजीत सिंह लगभग 3,50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके बाद फरीदाबाद की सीट की बात करेंगे, दिल्ली से लगी एक और सीट, यहाँ पे अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के टिकट पर और कृष्णपाल गुर्जर BJP के टिकट पर, यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर लगभग 5,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी यहाँ पर भी कोई लड़ाई नहीं। भिवानी महेंद्रगढ़ श्रुति चौधरी की सीट, श्रुति चौधरी पिछली बार हारी थी, इस बार 2,88,000 वोट पा चुकी है, लेकिन उनके सामने बीजेपी ने जिन धर्मवीर सिंह को उतारा वो 7,18,000 वोट पा चुके हैं, यानी कि यहाँ भी 4,50,000 वोटों का मार्जिन है, यहाँ भी कोई लड़ाई नहीं। और आखिरी अंबाला की सीट, जहाँ से कुमारी शैलजा को उतारा था, इनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे थे, यहाँ पे कुमारी शैलजा को अभी तक मिले हैं 3,58,000 वोट, लेकिन उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं रतन लाल कटारिया, उनको मिले हैं 6,66,000 वोट, यानी यहाँ भी 3,00,000 से ज़्यादा का मार्जिन सिर्फ एक रोहतक को छोड़ के। अब बताइए आप लोग, आप हरियाणा से हैं, आपने हरियाणा कवर किया। मैं वैसे तो जब घूम रहा था तो पता लग रहा था कि मोदी के काफ़ी सपोर्टर्स हैं वहाँ पर और मोदी सपोर्टर्स के साथ साथ मोदी की गुडविल बनी है और एयर स्ट्राइक के बारे में बार बार वहाँ पर जिक्र हो रहा था। मैंने सोनीपत से शुरुआत की थी जी। रमेश कौशिक का जहाँ तक जिक्र होता है तो रमेश कौशिक ने खुद के नाम पर कोई गुडविल नहीं कमाई थी। आप बड़ों से लेकर बच्चों तक बुजुर्ग तक किसी से भी बात करेंगे, रमेश कौशिक के बारे में कोई राय नहीं रखता था, और अगर पॉलिटिक्स में कोई किसी के बारे में राय नहीं रख रहा है तो वो नेगेटिव ही जाती है कि किसी के बारे में कोई गुडविल नहीं है, है कौन वो व्यक्ति, है कौन हमारे बीच में तो आकर कभी खड़ा नहीं हुआ, ऐसी बात करते थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का जिक्र होता था लोग एयर स्ट्राइक की बात करते थे और कहते थे कि अभी जो नरेंद्र मोदी जो भी जैसा भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में ज़्यादातर लोगों की राय मोदी के फेवर में थी, वो दिख रही थी। हमने सोनीपत से ट्रैवल करना शुरू किया, सोनीपत से हम लोग रोहतक गए, रोहतक से हम हिसार गए, तीनों जाटलैंड कहलाया जाता है और पूरे हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट 35 बिरादरी 36 बिरादरी इन सब का जिक्र हो रहा था। इसी बीच जो एक मोदी और
हुड्डा से हटकर जिस शख्स का नाम आता है वो खट्टर का आता है, और उनका इसलिए भी आता है कि लोगों का कहना है कि जो जॉब्स दी गई उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई, इसका श्रेय भी बीजेपी गवर्नमेंट को दिया जा रहा था। और मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस जो एक टाइम पर इतना अच्छा कर रही थी और पिछले 5 साल में बिल्कुल नरेटिव बदला और वहाँ के सब डायनेमिक्स बदलने लगे, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो हरियाणा की पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की, उसमें अलग अलग धड़े बनते चले गए। आप ऊपर से लेकर नीचे की बेल्ट तक देखेंगे, अम्बाला तक आ जाएंगे, सोनीपत पानीपत से होते हुए और उधर सिरसा तक भी पहुंच जाएंगे, तो आपको तीन धड़े, तीन कोनों में आपको चार अलग अलग धड़े दिख जाएंगे, और हर कोई अपना जो भी उनकी लेगेसी थी उसको फॉरवर्ड लेकर जाना चाह रहा है, और उसके लिए काफ़ी इनसिक्योर होता है, तो अपनी सीट तक सीमित हो जाता है। और सीट तक सीमित होने में ये हो रहा है कि जो साइड से जो कंट्रीब्यूशन आना था, जैसे कि जब आप रैली और सभाएं देखते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो सभा और रैली आप देख रहे हैं उसमें वहीं के लोकल लोग हों, उसमें आसपास के डिस्ट्रिक्ट के, आसपास के ज़िलों के लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस का फेलियर दिख रहा था कि लोकल लोग तो फिर जो लेगेसी चलती आ रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आगे कुछ नहीं देख रहे। सोनीपत के बाद हम लोग रोहतक जाते हैं, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार सिटिंग MP रहे हैं, और उनके लिए ये कहा जा रहा था कि लास्ट टाइम तो उनके साथ सिंपथेटिक वोट थी क्योंकि उनकी डिस्क प्रॉब्लम थी, वो घर पर बैठे थे, और ये कहा गया और कि पिता सीएम थे उस वक्त, सीएम जी मेरे पास है माइक, हाँ पिता सीएम थे, तो उस वक्त ये कहा गया कि लोगों ने कहा कि आप चाहे घर से बाहर भी मत निकले हम आपको जिता कर भेजेंगे, तब काफी ज्यादा सपोर्ट था। लेकिन फिर फरवरी 2016 में जाट एजिटेशन और जाट आरक्षण आता है ये सब, और एक बहुत जो जाट वर्सेज नॉन जाट का नैरेटिव था उसका ये उसकी शुरुआत यहीं से होती है, और फिर लोगों के मन में पंजाबियों के लिए भी गुस्सा निकलता है और पंजाबियों के लिए सपोर्ट भी निकलता है, ये चीज़ हमारे को रोहतक में देखने को मिलती है। जी, जी, और जो वहाँ पर अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं उधर भी उनकी पर्सनल लड़ाई है, अब 1000 का मार्जिन है क्या? हाँ, उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो मेरे ख्याल से 1996 या 98 में सोनीपत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और जीत गए थे 96 में, और जब हमने लोगों से पूछा आप भी मेरे साथ ही थे तो हमने पूछा कि वो कैसे जीत गए थे, तो उनका कहना था कि एम्बुलेंस अरेंज करवा दी, पानी का टैंकर। तो आप सोचिए कि 1996 में एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी वहां से जीत कर आते हैं, तो वहां पर दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव तब भी कहा जा रहा था कि टाइट है, जो कि अभी दिख भी रहा है, और हुड्डा परिवार की ताकत भी बढ़ गई, तो इसको एक चुनावी चाणक्य ने, चौराहे के चाणक्य ने बड़े इस पर बोले कि ये पिछले 10 साल से कांग्रेस के अलग अलग खेमों को सेट कर रहे थे, कभी कुमारी शैलजा को अशोक तंवर के खिलाफ, कभी सुरजेवाला के खिलाफ किसी को, अब इन्हीं को सेट कर दिया गया क्योंकि बाबू बेटा दोनों को टिकट दे दिया, अगल बगल की सीट से दे दिया, पहले क्या होता कि दोनों की ताकत है कि सीट पे लड़ती, अब आधा परिवार लड़ा रहा है सोनीपत में चुनाव जहां वो 1.5 लाख से पीछे, आधा परिवार रोहतक में। नहीं, इसमें एक बात और भी है कि जो हरियाणा में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अब जैसे अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव भी होंगे तो उनमें सबको नॉर्मलाइज करने की बात हो रही थी, जैसे उधर से सुरजेवाला जीन चुनाव में जो गए वो हार गए, उधर से बुरी तरह हार गए, कुमारी शैलजा भी हारती हुई हमें दिख रही हैं, सब सब और अजय यादव जो कि रेवाड़ी हिस्से में जिनका काफी दबदबा था, काफी 5-6 बार MLA रहे, कभी रहे थे, वो भी उठ रहे थे बीच बीच में, अब ये दोनों भी उठ रहे थे, बाप बेटा भी, इनमें भी लड़ाई थी कि कौन आगे जाएगा। अब जैसे दीपेंद्र कहते हैं कि राहुल के बहुत ज्यादा करीबी हैं, तो अब अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी और हुड्डा परिवार केवल इकलौता ऐसा रह जाएगा जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में है, क्योंकि आपके तंवर हार जाएंगे, शैलजा हार जाएंगी, नीचे से ये अजय यादव हार जाएंगे, तो ये परिवार की भी लड़ाई। दूसरी बात, हरियाणा में बीजेपी को वोट देने का एक कारण ये भी है कि हरियाणा जैसे सटा हुआ है दिल्ली से, तो उस पर दिल्ली का बहुत प्रभाव रहा है शुरू से ही, और जो जो ट्रेंड्स दिल्ली में रहे हैं उन्हीं की सरकार आपको हरियाणा में भी दिखेगी। जैसे 10 साल कांग्रेस की रही तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, अब 2014 में लोगों को लगा कि मोदी सरकार बन सकती है क्योंकि उनकी लहर थी, तो सारा हरियाणा मोदी के साथ गए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि हम देखते हैं, और वही विधानसभा चुनाव में भी हमें दिखा 2014 में हरियाणा बीजेपी के साथ गए, लेकिन जो 5 साल में काम किए बीजेपी ने, आप देखिए जो कहते हैं काम तो गिनवा सकते हैं उनके कि भाई नौकरियों में इधर वो काम किया, कहते हैं कि आराम से अब नौकरियां मिलती है बिना पैसे दिए, कि पहले धांधलियां होती थी, और सर्वसुलभ उनके नेता हैं कि आप उनसे जाके मिल सकते हैं, तो ये उनके पक्ष में गया, और यही हमें दिख रहा है ट्रेंड इधर लोकसभा चुनाव के अंदर भी, तो इसका उन्हें फ़ायदा मिलता दिख रहा है। सबसे नुकसान जो मुझे दिख रहा है वो है हिसार की सीट पर दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने पार्टी बनाई, परिवार से लड़े और उनके कारण इनेलो को नुकसान हो गया। अगर हम देखें तो बीजेपी पहले कहीं धरातल पर थी नहीं हरियाणा में, वो इनेलो के साथ चुनाव लड़ती थी और इनेलो जूनियर पार्टी बनके हाँ, यही नरेंद्र मोदी प्रभारी हुआ करते थे, प्रधानमंत्री उनका बीजेपी का रहता था तो भी, 99 की हम बात कर रहे हैं, फिर भी जूनियर पार्टी के साथ इतना, अभी जैसे दिख रहा है कि इनेलो
कमजोर हो गई है, हर सीट पर उनके 10,000 कहीं 50,000 ऐसे वोट आ रहे हैं, तो जेजेपी ने नुकसान किया खुद का भी, क्योंकि उनका खुद का सांसद हार रहा है, और दूसरा नुकसान किया इनेलो का, जो एक मुख्य फोर्स थी इलेक्शन में पहले, अब जो विधानसभा में भी नहीं दिखेगी हमें, तो अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई रहेगी। तो इनेलो ने अपना नुकसान किया प्लस जेजेपी का नुकसान किया, और जेजेपी ने अपना तो किया ही किया, तो ये एक सबसे बड़ा इसका सब फैक्टर ये भी है ना कि प्राइवेट लिमिटेड बना के पार्टी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चल सकती वो, हमें को लग रहा है प्राइवेट लिमिटेड बना के एक पार्टी विश्नोई ने चलाई, खत्म हो गए, कांग्रेस में आए तब भी खत्म दिख रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना के चौटालाओं ने चलाई, अब देखिए कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वैसे तो अभी भी बीजेपी ने प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, उनके पिताजी की सीट से उनको उतार दिया है हिसार से। नहीं, प्राइवेट लिमिटेड ये नहीं होता पिताजी की सीट से, प्राइवेट लिमिटेड होता है कि जब शीर्ष पर पार्टी के एक ही परिवार के लोग आते रहे, परिवारिक तो INLD प्राइवेट लिमिटेड हो गई चौटालाओं की, ये भजनलाल की प्राइवेट लिमिटेड थी, फिर उन्होंने मर्ज कर दिया वापस, अभी और यहाँ पे अब ये देखना था कि ये हुड्डा की प्राइवेट लिमिटेड बनती है कि नहीं। अभी इधर भिवानी से देख लीजिए, श्रुति चौधरी लड़ रही है बंसीलाल के परिवार से, उधर तीनों हिसार में हार रहे, और अजय बोला जा रहा है कि अजय यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हो, तो छात्र नेता है लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो फिर उन्होंने बहुत जुगत करके अपने लिए किसी तरह से अरेंज किया उसको। जबकि आप देखिए कि जब हम हरियाणा पॉलिटिक्स देखते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं, तो राम रहीम वाला केस होता है तब हरियाणा गवर्नमेंट की नाकामी की बार बार बात की जाती है, हाईकोर्ट कॉन्टिन्यूसली फटकार लगाती है खट्टर गवर्नमेंट को, और फिर जाट एजिटेशन में भी ऐसा ही होता है, बार बार हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। लेकिन जो पिछले 6 महीने में 7 महीने 8 महीने में जो इवेंट्स हुए हैं हरियाणा, पर्टिकुलरली हरियाणा के पॉलिटिक्स में, वो नेशनल के संदर्भ में देखा गया कि मोदी इस वक्त क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोग ये भूल गए उस वक्त कि क्या स्टेट का हाल हुआ था जब जाट एजिटेशन हो रही थी, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो जो नॉन जाट लोग हैं वो सीधा हुड्डा और बीजेपी से निकलकर नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर था। उसके बाद हम लोग आगे हिसार गए, तो हिसार में भी यही था, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि चौटाला ने पिछले 5 साल में हमारी आवाज़ भी बुलंद करी और वो हमारे लिए प्रेजेंट भी रहे, हम जब उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों से बात की जाती थी, तो जो ग्राउंड पर चौटाला का जो तार बिछी होनी चाहिए थी जो लोगों के दिल तक, और लोग उस जो दिल तक बिछ रही है तार उसको वोट में तब्दील कर सके, उसमें चूक थी, क्योंकि कार्यकर्ता इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर इकट्ठा नहीं हुए थे, जो कि बीजेपी के केस में एक प्लस फैक्टर था, प्लस पॉइंट था। तो वो हाँ। मुझे लगता है कि हरियाणा के केस में मोदी फैक्टर कंप्लीटली इसीलिए, और शायद पिछले 6 महीने के इवेंट्स जो नेशनल गवर्नमेंट कर रही थी, अगर वो 6 महीने के ना हुए होते जो कि अटैक्स हुए और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मिस हो रही हैं रजत, मुझे लगता है। एक तो ये कि मनोहर लाल सरकार के कई कदमों की खूब तारीफ हुई, सरकारी भर्तियां हमें महम में जो ITI में लड़के मिले उन्होंने कहा सरकारी भर्तियां, टीचर्स की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, दूसरे स्टेट्स उसको अडेप्ट कर रहे हैं, ये चीजें। इसके अलावा आप प्योर पॉलिटिकल लहजे से देखें तो जो कंसोलिडेशन हुआ जाट बनाम गैर जाट का, तो ये लग रहा था कि राजकुमार सैनी वगैरह इनको नुकसान हो जाता है, कहीं कोई नुकसान नहीं, और हर जगह लीड इतनी बड़ी है कि किसी संशय की गुंजाइश नहीं है। आपने जैसे महम जाके आनंद सिंह डांगी से बात की, तो उन्होंने जाट एजिटेशन के बारे में बताया था कि सारा उसको नकारा था कि ऐसे ऐसे इवेंट्स नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर वो हुआ है, वो आप कितना भी नकारते रहिए वो हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है। इस बार रोहतक में देख लीजिए, जहां हर बार 2 लाख ऐसी लीड रहती थी, वो इस बार 1,000-2,000 अगर जीत भी गए तो ये जीत मानी नहीं जाएगी वैसे उनकी, क्योंकि वो हार है उनकी, अव्वल तो जीत जाए यही भी है, उम्मीद तो कर ही रहे हैं वो, क्योंकि 3 बार से सांसद है, काम जो उनका देखते हैं लोग और जो भी है, लेकिन काम के मामले में तो जो इसमें दो चीजें हैं, रोहतक शहर के लिए रोहतक जिले के लिए तो खूब किया, पर फिर वही लोग मिलते हैं वो कहते हैं झज्जर के लिए क्या किया, जींद के लिए क्या किया है आपकी, रोहतक में तो 9 विधानसभा लगती है ना, तो रोहतक शहर में आपने बहुत डेवलपमेंट किया, पर लोग कहते हैं कि उस चक्कर में वो ये भी कहा गया कि सीएम साहब ने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी खूब नर्चर की, वो देना भी चाहते हैं लेकिन वो दे नहीं पाते, वो बता देते हैं ये 4 इंस्टीट्यूट वहां बनाए, 2 वहां बनाए, लेकिन वो इंस्टीट्यूट से काम नहीं चलता, आपको विकास भी दिखाना पड़ता है, पानी आया, रोजगार मिला, रोजगार में इतनी धांधलियां हुई सरेआम, बताना जवाब देना भारी पड़ा अभी, तो मनोहर लाल कह रहे हैं ना कि आप बता दीजिए हमारे में कोई भी, वो लड़के कह रहे हैं कि अब तो पढ़ाई से नौकरी, पढ़ाई से नौकरी लगते हैं, बिल्कुल जी, वो तो एक फर्क आया है यहाँ पे, वो एक फर्क आया है। चलिए इस बातचीत में आप लोग जुड़े मेरे साथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला नहीं है। 10 सीटों पर चुनाव, 9 पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त, लाखों में बढ़त। सिर्फ एक सीट है रोहतक की, जिसमें 1000 से कम का मार्जिन है। अरविंद शर्मा बीजेपी के 1000 से कम वोटर्स लगभग 950 वोटों से आगे हैं दीपेंद्र हुड्डा से। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात करेंगे अपने साथी नीरज से कि दिल्ली का जनादेश 7-0 का, उसके निहितार्थ क्या है और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर कौन से सवालिया निशान लग गए हैं। देखते रहिए ललन टॉप की ये खास लाइव पेशकश जो सुबह से जारी है। अभी तो फंबल भी करने लगा हूं। जनादेश 2019।